What is up, guys? Welcome to part 2 of this village exploration series. In the last part, I was exploring the village in the early hours, around 5-6 a.m. And now it's 11 a.m. and the family is up and running. And we have come to the waterfall that I showed you in the last video. This is a big one. When I was seeing it from far off, this was looking very small. This is huge. Let's just stop here and show you the place. So here we are. Right opposite to me is this waterfall. Let me just do a 180 degree flip for you. Look at this, guys. Remember how this was looking when I was showing this waterfall to you from somewhere there? That place. And by the way, the mountains are looking amazing. Even in broad daylight, you see the flow of the water. This is wow. And there we have our Isuzu. I better hurry up now because family, kids, and my wife are moving ahead. They decided to take a walk while we were doing some room shifting in the hotel. I just need to catch up with those guys now. Apparently, there is a monastery on this route if we keep going straight, so we'll try to see if we can find that and explore that place as well. What a beautiful view, man. There are the kids chal rahe hain, but main puch raha hu ki aage hai kya. Bog likha hua hai, Bog 5 kilometers. Monastery hai, monastery ke liye bhi niche rasta hai. Acha, chalo dekhte hain kahan hai. तुम्हें वॉक कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा। अच्छा लगा मेरा है वॉक? हाँ अच्छा था। गर्मी लग रही थी क्या? मतलब गर्दन पे लग रही थी, टाइटली धूप पड़ी। मुझे ऐसा लगा गर्मी होगी, पर हवा तो काफी ठंडी है वैसे। हमने सर्च ऐसा लिया, ये पहना हुआ, उसके बाद भी हल्की सी कान में आने पे तो ठंडी लग रही है हवा। मैं क्या बोलते हैं बेटे? मैं मैं इज 1 किलोमीटर। मैं इज सपोजिटली अ विलेज। मुझे लग रहा है ऊपर नहीं जाना हमें। We have to go down. अगर ऊपर गए तो we'll get stuck in a village and वहाँ से अगर कार ऊपर से U-turn नहीं हो पाई तो ये ऊपर जो जा रहा रास्ता वही है। जो ऊपर जा रहा रास्ता? हाँ। नीचे कोई रास्ता नहीं है। ऊपर तो मैं चला जाएगा। मैं ही जाना है। मैं यहाँ पे तो रोड बनी हुई है। हाँ। नीचे वाले रास्ते में उस बारे में तो गड़बड़ थी, पर ये तो रास्ता नीचे जा रहा है ना। वही मुझे भी लग रहा है। मॉनेस्ट्री किधर दिख रही है? बीच ये मेन हाईवे से कनेक्ट कर रहा है वाला रास्ता, बट इसमें मॉनेस्ट्री कहाँ है? बीच में कहीं आ रही हूँ मैं। वो कर्व में होगी शायद से। पता नहीं, देखते हैं। चलो लेट्स हैव अ लुक। ये तुम क्या खा रहे हो? बिस्किट्स। ओके चाहिए आपको? अभी रुको जरा। वेरी डेंजरस। ये डेंजरस रोड है। ये तो शार्प यूटर्न है, इसको फर्स्ट गियर पे ही लेना पड़ेगा। धीरे धीरे। अरे कुछ नहीं हो तो गाड़ी तो एक हाथ से चलती है। स्लो बस, स्लोली स्लोली। ये तो बहुत सारे स्विच बैक्स आ गए, स्विच बैक्स। अनदर यूटर्न। ये तो मस्त है। देखो डर लगता है क्या मेरा? तुझे डर लग रहा है क्या मेरा? ये साउंड इफेक्ट्स मत दो मेरा बेटे। आप मनन, आर यू फाइन? यू आर ओके? हेलो। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वो काइस के पीछे वाला रास्ता है ना, ऊपर बिजली महादेव जाने वाला है क्या? कैमरा के व्यू फाइंडर में एकदम से जो आता है ना, स्नो कवर्ड पहाड़ों का व्यू, बहुत सही लगता है यार। वेरी गुड। ये क्या है? डू वी हैव वे? व्हाट इज? अरे यो क्या है? ये तो सही में रास्ता ही खत्म हो गया जो मैप्स दिखा रहे थे। इज दिस अ मॉनेस्ट्री? पूछो। ये तो घर लग रहा है किसी का। मॉनेस्ट्री है?
लॉक करें गाड़ी? चलो। सो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक्चुअली में देर इज अ मॉनेस्ट्री. नेम ऑफ द मॉनेस्ट्री वी डोंट नो, बट अभी जाते हैं तो विल गेट टू नो. इनिशियली आई थॉट दिस इज अ डेड एंड, विच इट इज, बिकॉज गूगल मैप्स वॉज ऑल्सो शोइंग दैट दिस इज अ डेड एंड, बट दिस इज अ मॉनेस्ट्री. सो लेट्स गो एंड सी. झूले झूले. सो दिस इज द मॉनेस्ट्री. Relatively unknown monasteries. I wasn't aware. I have done this route multiple times, the Leman Ali Highway. Never ever found the time or had the patience to explore these inner parts. क्या नाम है इस monastery का? Gemur? Gemur Samtan Choling. Samtan Choling. Okay. यहाँ पे तो बहुत कम लोग आते होंगे. आते हैं लोग? आते हैं. टूरिस्ट तो आते कम आते होंगे. Leman Ali Highway से नीचे से निकल जाते होंगे. This is the entry. Wow. दियो में लौ लगा रहे हैं वो जो जलाने के लिए. रुई रुई. हाँ. Let's go inside. If videography is allowed, I'm not sure. अच्छा अंदर भी जा सकते हैं. कहाँ से तुम आए? इधर से. इधर से राउंड लेना. नीचे से आना है. ये सब क्या है? तो यहाँ पे बने हुए भगवान जी बिल्कुल पीछे की साइड पे, बाहर नहीं रखे हुए इन्होंने बड़े वाले भगवान जी. कुछ लॉजिक होगा इसका भी? पता पहले तो होते थे 30-40. अब जो पुराने बुजुर्ग थे वो सब गुजर गए और नए बच्चे, अब नए निकलने वाले कम है. लोग 10-15 लोग हैं तो हम लोग उसको कमांड करते हैं. आने वाले समय में हमारे को एमिस मॉनेस्ट्री से लाना पड़ेगा. मैक्सिमम हमारा अभी 30-35 साल चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा. नए तो निकलने वाले हैं नहीं आज की डेट में. पहले जो हो गया हो गया. कर लिया. चलो चले फिर. बहुत ही सुंदर जगह है. मतलब हर बार हम आते हैं और लेमन वाले आए हुए नीचे से निकल जाते हैं और ये इग्नोर. मिराज डिड यू एंजॉय इट? आपने मॉनेस्ट्री फर्स्ट टाइम देखी सेकंड टाइम देखी है? सेकंड टाइम अच्छा लगा. मनन यू एंजॉय इट? ये कौन सा स्टाइल है साथ में अनी सिंह का? चलो मेरा अब और कहाँ जाना है नेक्स्ट? मेरे ख्याल से अब लंच करते हैं ना.
एंड उसके बाद शाम को वो देखते हैं वो जो 101 रूम्स वाला मड हाउस है ना। चलो अब वापस यहाँ से गाड़ी को घुमाने में मज़ा आएगा, जगह नहीं है यहाँ पे, 4L में करके घुमानी पड़ेगी बेटे इधर से। जगह तो है बट 4L करना पड़ेगा। खाई में जाने वाली है।